आज हम गांधीबाग थाने में आए हैं। तौकीर रजा नाम का ये जो एक आतंकवादी ही कहूँगी, कल हमने उसका वीडियो देखा जिसमें वो हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है चेतावनी दे रहा है। जनवरी में भी उसने कार्यक्रम किया था और 20,000 लोगों को इकट्ठा करके शुक्रवार के दिन उसने ये बोला था कि हिंदुओं को छुपने की जगह नहीं मिलेगी अगर उसने अपने युवकों को, मुसलमान युवकों को छोड़ दिया तो। और कल फिर उसने जो है दिल्ली के केस को लेकर के कानून व्यवस्था पर जो अविश्वास जताया है, हमारे संविधान की जो धज्जियां उड़ाई हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से चेतावनी दी है और बंटवारे की बात की है, ऐसे में उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उसके खिलाफ हम यहाँ पर तहरीर देने आए हैं। ऐसे ही लोग हैं जो देश में वैमनस्यता फैला रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि इस देश में दंगा हो, इसलिए तौकीर रजा के खिलाफ जो है FIR लिखवाने के लिए हम यहाँ पर आ जाए हैं। देखिए, हमने कहा तो है, उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे और कानूनी तरीके से जो भी यहाँ पर हो सकता है या बरेली भी जाना होगा तो किया जाएगा और हम लोग जगह जगह पर करेंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं ये बता देना चाहती हूँ कि 10 दिन के अंदर अगर तौकीर रजा पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, कानूनी उसको जेल में नहीं डाला जाता और उसको उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं कायम होता है, तो मैं बरेली जा करके हम सभी लोग अनशन करेंगे।